गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर का प्रयोग हम लोग किस काम के लिए, किस जगह पर किस मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और प्रायः इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। लेंथ मशीन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर या सिलाई मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। रेडियोग्राम टेप रिकॉर्डर सेविंग मशीन हेयर ड्रायर में हम लोग शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। सीलिंग फैन या टेबल फैन में हम लोग अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। दीवाल घड़ी में हम लोग शेडेड पोल सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करते हैं। प्रेशर टैंक पंप में अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। प्रेशर स्विच में हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। लिफ्ट सायरन ड्रिल मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर में रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग करते हैं। एयर कंडीशन अर्थात एसी में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन या सेल्फ स्टार्टर के लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। वेरिएबल लोड के लिए हम लोग सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग करते हैं। क्वाइल वाइंडिंग मशीन के लिए हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। ये मोटर्स का प्रयोग काफी इम्पोर्टेंट है और इससे प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। थैंक यू।